गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ऑन दिस माय चैनल जोशी इंडियन एक्स वाई जेड। और अभी हम है अभी नैनीताल में, इधर तो हम रुके हुए थे और यहाँ से सुबह का नज़ारा हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे मतलब कि लोग रहते हैं, ठीक है। होटल भी बहुत ज़्यादा है नैनी स्ट्रीट, यहीं पर सबसे महंगा होटल यहाँ का नैनीताल का सबसे महंगा होटल है। और उसी के बगल में सुबह का नज़ारा, और यहाँ जो बहुत भयंकर अब ठंड लग रही है मुझे, मैंने जो है अभी हाफ पहन रखा है। जो भी है ठंडी बड़ी तेज़ लग रही है, और मैं खाली जो कपड़े लाया नहीं हूँ, जाए उठ के अभी सो जाता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पहाड़ी गीजर, पहुँच गए पहाड़ी गीजर के पास। तो गाइस ये निकल रहा है पहाड़ी गीजर में से पानी, यहाँ पे पानी गर्म किए थे अभी, और ये निकला गर्म गर्म पानी। और अब हम जा रहे हैं इसको आग सेकने के लिए। शहर में इतनी गर्मी है और हम नैनीताल में हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ठंडी अब लग रही है। सुबह का टेम्परेचर जो है कम से कम 18 डिग्री इस समय चल रहा है। और यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं अपने गांव के लिए। और यहाँ तो हम आए थे और यहाँ पे हमने एक कोना तो घूम रखा है नैनीताल में। अब मैं आपको अपने गाँव घुमाऊँगा। चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। और अभी जो है जा रहे हम चाय वाय पीने के लिए, हम घुसने वाले हैं सीधे कंबल में। सो गाइस हम चल रहे हैं अब यहाँ से नैनीताल से, ये हमारी मामी जी इनको हम कर रहे हैं बाय बाय, इनका पूरा घर हम जा रहे हैं। चल रहे ऐसे पहाड़ से नीचे की तरफ सीढ़ी बना के, और ये दीदी इधर इधर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं, ये मम्मी और मैं, यहाँ से मुश्किल होता है मोड़ना गाड़ी पीछे की। वही पहुंच चुके हैं मेरा ताल के पास, यहाँ से ताल शुरू हो गया। पानी इसमें थोड़ा कम है, ज्यादा ज्यादा एक महीने उसके बाद फिर पानी बढ़ जाएगा। इस पर सड़क दिख रही है, ये सड़क बढ़ जाती है। पहुंच गए ताल के बगल से। सुबह पहुंच गए हम बस स्टैंड पे, और यहाँ से हम जो गाड़ी कर रहे हैं हमारे कौन जाओगे। बस ये है नैनीताल का बस स्टैंड, आपको हर जगह के यहाँ से बसें मिल जाएगी। और ये है नैनीताल, और आखिरी बार यहाँ से करते हैं बाय बाय। बैठ गए हम लोग गाड़ी में, ये जाएगी यहाँ से भवाली तक, और यहाँ से भवाली तक का किराया 30 रुपये होता है। और ये सामान चढ़ा रहे पूरा ऊपर, आपको सीधे भवाली में। और भवाली हम पहुंचे हैं भवाली में, और भवाली में इधर सामान लेके आ रही मम्मी का, लेके आ गया सामान। यहाँ चलते हैं, यहाँ से सीधे गाड़ी पकड़ते हैं, टैक्सी करते हैं। यहाँ से हमको चाहिए बागेश्वर के लिए। अभी सुबह सुबह एकदम खाली है, और यहाँ जाम लग जाता है हर बार। बस पहुंच चुके हैं भवाली, और यहाँ पे देखे पहाड़ी मिठाई की दुकान, और यह है चौराहा।
स्वच्छता में इस समय आप देखते होंगे भीड़ भी लगी है, लाइन लगी हुई है और तकरीबन हमको यहाँ तक पहुँचने में 1 किलोमीटर की दूरी से ही 1 घंटा लग गया हमको यहाँ तक पहुँचने में। अगर यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, अभी आप गेट पर देखेंगे कितने लोग खड़े हुए हैं, ये लोग इतने सारे लोग गेट पर भी खड़े हुए हैं और ये गेट पूरा इतने भीड़ के यहीं पे सब लोग फिर भी लोग आते रहते हैं पूरा। बस पहुँचे हुए हम अभी कोसी में और ये कोसी बाज़ार और यहाँ पे क्या होता है नाश्ता खाने के लिए थोड़े से बस रुकती है आधे घंटे के, यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। कुछ दाल चावल और कुछ मंगवा लिया है और घर पर जाने में तकरीबन 2 घंटा और लगेगा। यहीं पे खड़ी हुई है बस सामने, फिर यहाँ से खाते हुए चलते हैं, फिर मिलेंगे सीधे गरुड़ पे। ये है बाल मिठाई और बाल मिठाई के देने के लिए हम लोग रुक के पड़े हैं, दे दिया हमने। हम पहुँच चुके हैं अभी सोमेश्वर में और सोमेश्वर से यहाँ से ये अभी पारा और यहाँ पे कुछ ये सीन इतना अच्छा इतना प्यारा लगता है ना इसमें। मैं गांव छोड़ने का मन नहीं करता उसको देख कर, इतना सुंदर व्यू, ये व्यू बड़ा मुश्किल से दिखाई पड़ता है और एकदम सीढ़ीदार खेत। अब जितने भी जगह मैं जाऊंगा आपको सीढ़ीदार खेतें नज़र आएंगे तो खेत नज़र आते पूरी पूरे एरिया पे। पहले से पानी बड़ा कम हो गया है, ये पूरा पहाड़ गिर चुका है ऊपर से नीचे तक, इतना बारिश में उसमें सड़क बना ऐसे ही हम सुबह पहुँच रहे हैं हम बैजनाथ मंदिर के पास। तो ये रहा बैजनाथ मंदिर और पूरे झील के किनारे बसा मंदिर ऐसा है जो पूरा एक रात में बना था, बना हुआ है ताल यहाँ पे, इसी ताल के लिए टूरिस्ट अब आते हैं यहाँ पे पानी को रोक करके। यहाँ पे वोटिंग होती है तो आपको भी अगर वोटिंग करनी हो तो आ सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पे पार्किंग है और जाने का रास्ता आगे से पूरा बैठना पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे, पानी इसमें बहुत लबलब भरा हुआ है और वो रहा बैठना मंदिर। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में और अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तकरीबन कुछ दूरी पर और है और सड़क से हम लोग यहाँ तक पैदल आ गए। अब यहाँ से थोड़े से दूर पे हमारा ये गांव है, एकदम मैदानी एरिया में है, ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं आप कल के दिन, तब तक के लिए बाय बाय।